हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी डायग्नोस्टिक्स वेयर ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, आपको देख के पता चल ही गया होगा, दिस इज द टर्किश कॉफी कप प्रेडिक्शन। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है आज के लिए, क्योंकि आज का प्रेडिक्शन को जो टाइटल है वो है कि टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आपके जो जिंदगी है वो किस तरह से बदल सकता है, ठीक है, किस तरह से आगे जाके आपके लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब इतना से इतना बड़ा मेगा वो हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आगे जाके होगा। टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो, डेफिनेटली टैरो 6 टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस बोल के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो बिल्कुल टाइमलेस है। सो दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, और सभी लोग इसको ज़रूर सुने क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होगा, मे बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और करियर और ट्रैवल और एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, स्टडीज हो सकते हैं, आपके ओवरऑल जिंदगी हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज कॉफी इज डेफिनेटली मैजिकल। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। जेंडर न्यूट्रल है, आप जानते ही हो, टाइमलेस है, कभी भी देखो। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉर द एनर्जी एक्सचेंज कमेंट सेक्शन पर लिखिए, आई क्लेम द रीडिंग स्ट्रांगली, आई बिलीव दैट मिरेकल्स आर हैपनिंग टू मी। ओके, जरूर लिखे। तो चलो हॉट वाटर हम मिला लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट द प्रेडिक्शन। ओके, सो हम हॉट वाटर मिलाते हैं लिटिल बिट। आप इसको स्किप करके देख सकते हो, देयर इज नो इश्यू। मैं टाइमिंग्स दे दूंगी जहां से स्टार्ट होगा कॉफी। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके आगे जाके जिंदगी में व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ, व्हाट्स 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 द टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। वाओ, दैट्स मैजिकल नाउ। ठीक है, रियली मैजिकल। अभी हम एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कैन यू सी द पर्सन, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ गिलोरी टाइप का बना हुआ है स्क्विरल। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक पैसेज वे बना है और यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न आ रहा है। ओके, यस, यहाँ पे ना मैं बता देती हूँ कौन कौन सा लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कोई सनग्लासेस पहना हुआ है, इस तरह से दिख रहा है। ओवरऑल प्रेडिक्शन मैं कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे एच लेटर, वी यू के टी L, yes, J, आपको भी डिफरेंट डिफरेंट दिख सकता है। ओके, ऑल राइट, बेसिकली एनर्जी मैं बता देती हूँ। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रुप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है ना, पेंगुइन्स एक तरह का पक्षी होता है, ठीक है, और पेंगुइन्स क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा ठंडा, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं ना, उनका क्या है ना, वो इकट्ठा रहते हैं, एक साथ हडल करते हैं, H U D D L E, हडल। हडल का मतलब क्या है आपको पता है,
एक साथ चिपक के रहना, ताकि ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशन होते हैं, मतलब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे का जो शरीर का जो गर्मी है तो वो शेयर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हडलिंग, कमिंग क्लोज टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी आप बताओगे आप क्या बोल रहे हो दी, अभी मैं पागल हो चुके हो क्या? अरे हम पागल नहीं हुए, सुनो पहले, ये चीज़ है कि बेसिकली हो सकता है कि आपको मे बी सोसाइटी से, समाज से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे है। ठीक है, इस कुछ लोग यहाँ पे समाज में नहीं रहना चाहते हो, कुछ लोग मतलब रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ हो, या आपको ओवरऑल सोसाइटी के जो आजकल के ट्रेंड्स है पसंद नहीं आता है, वेरी सून आप कोई कम्युनिटी के साथ मिक्सअप होंगे, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनके साथ आपका अच्छा कोलैबोरेशन होगा, अच्छा फ्रेंडशिप्स होंगे, पार्टनरशिप्स होंगे, अगर आप बिजनेस का सोच रहे हो तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली मुझे यहाँ पे अच्छा लेटर ए भी यहाँ पे आया है, सो बेसिकली एस ऑफ कप्स जैसा ऐसा कुछ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। बेसिकली अगर आप, मैं अगर बताऊँ कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है, डेफिनेटली न्यू कनेक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे टू लीफ क्लोवर आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपका कनेक्शंस यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका जो आपको लोग फॉलो करने वाले हैं, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का नज़र हो सकता है इन फ्यूचर, आप लाइमलाइट पे आ सकते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस तरह का एक कंसर्ट है, और यहाँ पे हो सकता है कि आप स्टेज में परफॉर्म कर रहे हो, आप कोई लेक्चर दे रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, मे बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मे बी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, और लोग इसको सुन रहे हैं। मे बी आपके फ्यूचर जो परिवार हो सकते हैं, मे बी आउट ऑफ कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन हो सकते हैं, बट वहाँ पे भी आपका जो एक्सेप्टेंस होगा ना, वो लोग आपको अच्छा से एक्सेप्ट करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये जो न्यू कम्युनिटी आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, जिस तरह से थ्री ऑफ कप्स, इट इंडिकेट्स अ न्यू कम्युनिटी ऑल टुगेदर, फ्रेंडशिप्स, कनेक्शंस ऑल टुगेदर, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। आपको पता है ना, एक समाज जहाँ पे हमें बिल्ड करने की कोशिश करता है, कुछ इस तरह का भी समाज है, कुछ इस तरह का भी सोसाइटीज़ है, जहाँ पे हमारा टैलेंट होते हुए भी हम उठ नहीं पाते हैं, बिकॉज द सोसाइटी टेंड्स टू पुल डाउन टुगेदर। ठीक है, वो हमें नीचे खींचते हैं, लेकिन आपका जो आगे, आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा आपका, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सोसाइटी, मतलब ये भी हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आप किसी के साथ डील कर रहे हो, क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, मे बी ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, जो भी है, वो काफ़ी अच्छा से आपका मोरल सपोर्ट देंगे। ठीक है, ऑल राइट, आपका फ्यूचर फैमिली हो सकता है, शादीशुदा आप हो सकते हो डेफिनेटली, और वहाँ का जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा, आपका जो इन लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला है। आपको समझना पड़ेगा, आप ना पता है किस तरह से हो। ये जो एक शेप है एक डायमंड का यहाँ पे आ रहा है, किसी का राशि यहाँ पे हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ लोग का यहाँ पे हो सकता है वर्गो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कन्या राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे जिस तरह से मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा, एफ लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे एक सिंबल बना है रूनस का, दैट इज़ कॉल्ड फीहो। ठीक है, तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो चाहत आपका है, एक बहुत बड़ा घर, ठीक है, एक स्टेबिलिटी अपने लाइफ में, बार बार इधर से उधर नहीं भागना है, ज़िंदगी में और ज़्यादा चेज नहीं करना है, बिल्कुल खालीपन आ चुका है ज़िंदगी में, लोनलीनेस है, आप किसी से मूव ऑन हुए हो बिकॉज रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल मतलब आपका जो एनर्जी लेवल था वो डाउन होते जा रहा था, आप लो वाइब्रेशन पे जा रहे थे, तो वहाँ से लेके एक हायर वाइब्रेशन पैसेज आपके लिए यहाँ पे धीरे धीरे खुल रहा है। यहाँ पे देखो एक ऐसा सिंबल आया है, दिस इज़ द क्रॉस, या आप बोल सकते हो स्वास्तिक चिन्ह, जो भी आपके मजहब है उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे होली स्पिरिट्स डेफिनेटली आपको बोल रहा है, यहाँ पे देखो एक स्पिरिट भी यहाँ पे है, दिस इज द एंजल, ओके, इफ यू कंसिडर दिस, डेफिनेटली यहाँ पे देखो विंग्स है एंजल का, एंड डेफिनेटली यहाँ पे है, सो इनका प्रेजेंस यहाँ पे होने का मतलब यही है कि कोई भी स्पिरिट गाइड्स अगर है, सो ऑफकोर्स दे आर प्रोटेक्टिंग यू। अगर आपका मूव ऑन होना किसी से जायज़ था, और वो डेफिनेटली एक हिस्सा था आपके लाइफ जर्नी का, एक सोल जर्नी का,
तो वो डेफिनेटली होगा। मुझे लग रहा है आप से आपके लाइफ को इम्प्रूव नहीं करने वाले हो आने वाले समय में, बहुत बहुत जिंदगी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। एंड यू आर गोइंग टू गेट पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन। अगर आपका कुछ इस तरह से था, कोशिश था, यहाँ पे एक स्केलेटन फेस भी आ रहा है, सो समथिंग कॉल्ड डेथ कार्ड, ठीक है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके अंदर अवेकनिंग हो रहा है सोल का, आप जागृत हो रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आप कौन हो, एंड दैट इज द लाइफ टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे देखो, इस इमेज को देखो, क्लियरली देखो, आइदर दिस इज अ मैन आपको दिखेगा, कुछ लोगों को यहाँ पे स्केलेटन का फेस दिखेगा, सो वट एवर बी इट इज, बिल्कुल आपके हालत इस तरह से है जहाँ पे आप मायूस बैठे हो, आपको पता भी नहीं कि क्या करना है आगे, बिल्कुल कन्फ्यूजन। रास्ता साफ साफ है, पैसेजेस काफ़ी ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 4 अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, 4 से 5 अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है ना, आपके जो लोअर वाइब्रेशन के वजह से ना, ये जो लोअर कनेक्शंस है, ये आपके पास जल्दी चले आते हैं, और जो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते इस तरह का एनर्जीज में हो, क्योंकि आप ना लोअर वाइब्रेशन पे हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको हायर वाइब्रेशन तक पहुंचना है। कैसे आप पहुंचोगे? बाय पॉजिटिव थॉट्स, बाय पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पे आप लोगों को माफ कर रहे हो, जो जिन्होंने भी जो कुछ भी किया है आपके साथ, ठीक है। आप एक वो आम की तरह हो, आप वो एक कटहल की तरह हो ना, हो आप बताओगे इसका मतलब क्या है, क्या आप बोलते जा रहे हैं, आप सुनो पहले। आम जिस तरह से, अगर वो कच्चा है, ठीक है, फल अगर वो कच्चा है, तभी भी वो ग्रीन मैंगो चटनी बनता है, ठीक है। ग्रीन मैंगो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट्स है, ठीक है, वो हमारे प्यास को बुझाता भी है, ठीक है, अगर हम उसका शरबत बनाते हैं तो। और पक्का जब हो जाता है, मैच्योरिटी जब हो जाता है, तो वो भी बहुत बढ़िया ही लगता है, राइट, खाने में। कटहल भी उस तरह से है, कटहल भी सब्जी बनता है, और इन फ्यूचर जब वो पक जाता है, उसका भी फल हमें बहुत अच्छा लगता है ना। बेसिकली उसका कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि आपके टैलेंट्स आज भी है, और आपके टैलेंट्स और भी फ्यूचर में और भी ज़्यादा होंगे। जहाँ पे आप खुद के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, बिल्कुल जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है वो है सेटिस्फेक्शन का। कोई भी रिलेशनशिप में जाके आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, अपने काम जो कर रहे हो प्रेजेंटली उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो। काम तभी भी अच्छा हो पाएगा जब आप उसको एंजॉय करना सीखोगे। सो लेट गो, कुछ चीज़ है जिसको लेट गो करना पड़ेगा। क्यों? अपने फायदे के लिए लेट गो करना है, किसी और के लिए सोच के नहीं करना, अपना फायदे के लिए आपको करना है। क्योंकि इस तरह से ना, आप क्या होगा ना, फिर नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होगा, फिर वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जीज आएंगे, फिर आप ट्रैप में आ जाओगे। यहाँ पे कुछ भी नेट्स जिस तरह से लग रहा है ना, जिस तरह से मछली जाल में फंस जाता है, आप भी फंस जाओगे उस तरह से। तो आपको अपना नेट से बाहर आना है, कोई आपको कैच ना कर पाए, ठीक है। आप डेफिनेटली लोगों का अपलिफ्ट, लोगों को सोल को अपलिफ्ट करने के लिए आए हो यहाँ पे। आपके सोल पर्पस मुझे दिख रहा है, यू आर गोइंग टू अपलिफ्ट लोगों को। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअल हीलर ही अपलिफ्ट करते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हो इन फ्यूचर, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ आपके कंपनी में आके जॉब करने के लिए, तो लोगों का करियर आप इम्प्रूव कर रहे हो ना, वहाँ से सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हो, समाज के लिए, बिना स्वार्थ के, ठीक है, बिना प्रमोशन पब्लिसिटी के, तो वो भी बहुत बढ़िया है। सो इन दिस वे डेफिनेटली ओके। आपके लाइफ पार्टनर का नाम ना मुझे लग रहा है ए से या जे से शुरू हो सकता है, ए जे वाई से शुरू हो सकता है, क्योंकि मेजर लेटर्स यहाँ पे आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि मतलब आपके पर्सन के नाम के अंदर हो सकता है, टी हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि कोई आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे जब ज़रूरत होगा ना, तो वो इंसान आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है कि अच्छा, आप लोग क्या ये कर रहे हो, मतलब पेड़ के नीचे जाके कोई पूजा वूजा करते हो शायद आप लोग कम्युनिटी में, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। कुछ जिस तरह से बोलते हैं ना, एक ईंटा बांध के चले आना, कुछ लोग धागा बांध देते हैं पेड़ के ऊपर, उनका मनोकामना पूरा होता है, उस तरह से आप कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एज पर योर रिचुअल्स एंड कस्टम्स, बट बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ पैसेज वे जहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे एक सॉलिड स्टेबिलिटी फाउंडेशन आपके लिए आ रहा है, मे बी विद इन 1 वीक टू 1 मंथ,
मैक्सिमम टू 1 ईयर आपके पास जो पिक्चर है पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगा। अभी समय लेके प्लीज मत बताना कमेंट सेक्शन पे, ठीक है? मैं आपको बोल रही हूँ, वो आप सुनना है आपको। देखो इट्स अ डेस्टाइन टाइम ना, एक एक लोगों के लिए अलग अलग टाइम हो ही जाता है। पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से लग रहा है ना कि जिस तरह से आप पहले कॉन्फिडेंट नहीं हुआ करते थे और इस तरह से रिलेशनशिप में आपने सिर्फ और सिर्फ सफ़र किया है, अभी इस तरह से लोग आपके रिलेशनशिप को देख के ना उनको लगेगा कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ या बेस्ट रिलेशनशिप कैसे मिल गया, कैसे आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले जिनके अंदर सब कुछ गुण होंगे। यहाँ पे एक शंख जैसा ही बन रहा है समथिंग, यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ इस तरह से बन रहा है, इट्स लाइक दैट। तो आप अपने शेल से प्रोटेक्ट हो, ठीक है? यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हो सकता है कुछ कनेक्शंस लॉस्ट हुए हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में मिस हुए हैं, दरवाज़ा आपके लिए बंद हुआ है, मे बी स्टडीज़ के लिए हो सकता है, ट्रैवल के लिए हो सकता है, सेटलमेंट के लिए हो सकता है, बट वो आपके मतलब बेटरमेंट के लिए ही हुआ है, ठीक है? सो आई एम हियर एंडिंग द रीडिंग हियर, बट लेट मी वेरीफाई इट। आप जानते हो मैं वेरीफाई करती हूँ विद द ओरेकल कार्ड्स, ठीक है? आप देखते हैं अभी लाइफ में जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से क्या आता है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। लाइफ में टर्निंग पॉइंट मुझे वही रास्ता दिखाई दे रहा है जो आपको नहीं मिल रहा था इतना दिन से, आपको मिल जाएगा रास्ता ऑटोमेटिकली। यस रोमांस देखा जहाँ पे आप सोच रहे थे कि नहीं 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 नो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ टू ऑफ कप्स कार्ड, कि जहाँ पे आप जिस पार्टनर का ख्वाहिश आप देख मतलब ड्रीम देख रहे हो, सपना देख रहे हो, आपका मतलब आपका एक मन में आपने ऑलरेडी बिठा के रखा है कि नहीं इस इतना इतना क्वालिटीज़ होने चाहिए, सो इट्स अ टू ऑफ कप्स कनेक्शन होगा ही ना, सोलमेट है ये आपके। ऑल राइट सो डोंट वरी, सो रोमांस इज देयर फॉर यू ना, टर्निंग पॉइंट ही रोमांस है। मतलब आपको पता है ना ये पर्सन आपको सिर्फ ओनली नॉट ओनली विल प्रोवाइड लव बट विल ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट टू यू, जो आपको करियर में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके सो वट कैन बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? ओके यू आर रेडी, आप तो तैयार हो। मैंने आपको बताया था कुछ ऑडिटोरियम मुझे दिख रहा है, कुछ क्लासरूम्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बहुत बड़ा गैदरिंग, और आप सेंटर पे हो। आप देखो अवार्ड रिसीव करो, एंक दिस इज द लाइफ, ठीक है? सो जिंदगी यहाँ पे देखो फायर साइन आप हो सकते हो, एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो यू आर रेडी, आप ऑलरेडी मतलब तैयार हो, वही मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस एनर्जी में ज़रूर कुछ लोग हैं कि आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए भी तैयार होने चाहिए, ठीक है? या आपको रेडी होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, मे बी यू आर नॉट रेडी, इट्स अप टू यू। देखो यूनिवर्स आपको बोल रहा है, मैं तो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज, क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हो? बिकॉज टू विंग्स आर, यहाँ पे देखो सनफ्लावर्स या विंग्स आप बोल सकते हो, दे आर कमिंग इन टू यूनियन। आप अपने सोलमेट के साथ, आप अपने ख्वाब के साथ, ख्वाहिश के साथ यूनियन में आने वाले हो। ओके सो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहोगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आई टोल्ड यू विद इन 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर भी हो सकता है। एक गोल्डन पैलेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोग हैं यहाँ पे, मंदिर मस्जिद या कोई भी आपके जो भी मजहब के प्लेसेस है वहाँ पे आपका शादी फिक्स होना या कुछ इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन होना, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट स्टॉप, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आगे बढ़िए। मैंने आपको बताया 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जहाँ पे आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे जाना है, ठीक है? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको लग रहा है नो मुझे नहीं सिलेक्ट करना है, पिछला वाला कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन बट डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, रुकना मना है भाई, रुकना मना है ज़िंदगी में, आगे आपको बढ़ते रहना है, क्योंकि आपको समझना है कि आपका सोल पर्पस अलग है, ठीक है? आप लोगों से डिफरेंट हो, इसलिए मैंने आपको बताया। आप यंग जब हो, इफ़ यू आर अ ग्रीन मैंगो देन ऑल्सो यू आर वेरी जूसी, वेरी टेम्पटिंग, और अगर आप मतलब राइपेंड मैंगो हो, पका हुआ हो, तो तभी भी तो आप और भी टेम्पटिंग हो। सो डेफिनेटली यू आर वैल्यूएबल, सो ये आपको मान के चलना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट।
So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness and love you all. Comment section pe zarur likhiyega.